राजनीति जो टिकी रहती है वो जातियों पर टिकी रहती है, और इसीलिए जाति और जाति जनगणना को लेकर के गाहे बगाहे राजनीति होती रहती है और मुद्दा उछाले जाते रहते हैं। आज आपको बताया कि जदयू ने बक्सर में जाति जनगणना के लिए नीतीश कुमार का आभार व्यक्त किया है, यानी आभार यात्रा निकाला है। आपको बताते चले कि बिहार में अभी जाति जनगणना हुई नहीं है, लेकिन जाति जनगणना को लेकर के हलचल तेज है। एक तरफ राजद दावा करता है कि मेरे दबाव में सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है, वही जदयू इसका श्रेय अपने ऊपर ले रही है, और इसीलिए जदयू के तमाम जो जिला के नेता हैं वो सब सड़क पे हैं और नीतीश कुमार का आभार व्यक्त कर रहे हैं। आपको बताते चले जाति जनगणना को लेकर के सभी दलों की बैठक हुई और यह सर्वसम्मति से पास किया गया है कि बिहार में जाति जनगणना होगा। वहीं बीजेपी का जो स्टैंड है उसका कहना है कि केंद्र सरकार इसके लिए एक रुपए भी खर्च नहीं करेगी, अगर राज्य सरकार चाहे तो अपने खर्चे से जाति जनगणना करा सकती है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री संतोष निराला एवं बक्सर के वर्तमान जिला अध्यक्ष भी है, इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन आभार यात्रा के पीछे क्या मकसद है। तो आइए हम समझते हैं कि इस आभार यात्रा के पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या पर्पस है आप लोग आभार यात्रा निकालने का। देखिए, हमारी पार्टी जनता दल यू ने निर्णय लिया है और जनता दल यू के साथ साथ समता फुले परिषद के संयुक्त रूप से पार्टी ने निर्णय लिया है कि बिहार के धरती पर जो हम सबों के नेता माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी पार्टियों की मांग थी, सभी जनता की मांग थी कि बिहार में जातीय जनगणना होना चाहिए, और उसके तहत उन्होंने बहुत अथक प्रयास और परिश्रम करके एक प्रकार से सहमति बनाकर और सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कैबिनेट में फैसला लिया, जनता को भरोसा दिया कि हम बिहार के धरती पर जातीय गणना हम कराएंगे, और हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने कराने का फैसला लिया, कैबिनेट में फैसला लिया और आज जातीय गणना प्रारंभ है। पार्टी ने निर्णय लिया, जनता दल यू ने, कि हम बिहार के धरती पर, हम पूरे बिहार के तमाम जिलाओं में पार्टी के तरफ से और लोक समता फुले परिषद के तरफ से संयुक्त रूप से माननीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति आभार करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे कि आपने ऐतिहासिक फैसला लिया है। शशि आनंद नाम के व्यक्ति याचिका दायर किए हैं कि जो सरकार कंटिजेंसी फंड है, जो आकस्मिक फंड होता है, उसका इस्तेमाल कहीं ना कहीं इसमें कर रही है, ये बेतुका है और वो कोर्ट में गए हैं। क्या लग रहा है, मामला फंस नहीं रहा है? देखिए, इस पर तो सरकार जवाब देगी और जाना चाहिए, वो चले गए, लेकिन जनहित में है, बिहार के हित में है, और सबकी मांग थी, सबकी राय थी, तो माननीय नेता ने इसको कराने का फैसला लिया, तो इसमें हर्ज क्या है, सबको सपोर्ट करना चाहिए और ये ऐतिहासिक फैसला है। जातीय जनगणना तो भारत सरकार को करानी चाहिए, इसके लिए सर्वदलीय रूप में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी से भी मिला, अन्य सरकार में उच्च पदों पर रहे लोगों से भी वार्ता हुई, लेकिन हम बिहार में, हमारी सरकार है और बिहार में तो हम करा ही सकते हैं, जिसका जीता जगता उदाहरण माननीय नीतीश कुमार जी ने पेश किया है। सर, राजद इसका श्रेय खुद के ले रही कि हमारे दबाव में आकर नीतीश कुमार और ये लोग फैसला लिए, क्या कहिए? देखिए, यही तो भ्रम है। राजद या विपक्षी पार्टियां जो कहती है कि हमारे दबाव में, हमारे आग्रह पर माननीय नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया, तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जो CM होता है, जो नेतृत्वकर्ता होता है, जो सरकार होता है, उसका अपना बुद्धि और विवेक काम करता है और सबको एक प्रकार से इस मामले में सहमति बनाकर उन्होंने बहुत बड़ा फैसला लिया है, ये एक अद्वितीय बात है। इसलिए ये कहना कि हमारे दबाव में, तो हम लोगों ने तो इसको जो है सिरे से खारिज करते हैं कि विपक्ष इस प्रकार का अनर्गल विलाप मत करे। तो आपने देखा कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री का कहना है कि राजद भले ही इसका श्रेय लेना चाहती है, लेकिन इसमें जदयू की मुख्य भूमिका है और सरकार की कोशिश की वजह से जाति जनगणना होने वाली है। भले ही याचिका डाली गई है हाईकोर्ट में, यह देखने वाली बात होगी कि कोर्ट में क्या फैसला होता है और आने वाले समय में जाति जनगणना हो पाती है या नहीं भी हो पाती है।
Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.